हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह फिल्टर पेपर की मदद से हम लोग बालू और पानी के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। इसके लिए एक बीकर में हम पानी लेते हैं, इसमें थोड़ा सा सैंड मिला देते हैं और इसको ग्लास रॉड की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को हम लोग सेडिमेंट होने के लिए लगभग 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब 30 मिनट के बाद ये सेडिमेंट हो चुका है, इसे हम एक दूसरे पॉट में डाल लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। इसमें हम वाटर को बिना हिलाए बहुत ही सावधानी से दूसरे पॉट में डालते हैं और इस तरह जो है हम लोग डिकेंटेशन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर को हम लोग कुछ इस तरह का मोड़ेंगे। देखिए, फिल्टर पेपर मोड़ने का ये तरीका है। सबसे पहले उसको हम लोग हाफ कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग एक बार फिर से फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह जो है फिल्टर पेपर को हम लोग फोल्ड करते हैं। एक बार हम फिल्टर पेपर को और कैसे फोल्ड करना है बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस फिल्टर पेपर को हम लोग इस तरह मोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद इस तरह हम लोग उसके एक लेयर को खोल के इस तरह कोन बना लेंगे और फिर इसको हम लोग फनेल में फिट कर देंगे। ये फनेल जो स्टैंड में लगा हुआ है उसमें हम लोग इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद जो डिकेंट वाटर है उसको हम लोग ग्लास रॉड के मदद से धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे। ये सावधानी रखेंगे कि हम लोग जो है तेज़ी से ना डालें ताकि फिल्टर पेपर जो है फटे ना। और इस तरह देखिए जो है फिल्टर पेपर से होकर पानी जो है फिल्टर होते हुए बूंद बूंद करके बीकर में गिर रहा है। इस तरह हमारा जो पानी है वो फिल्टर हो गया। अब हम लोग इस फिल्टर पेपर को निकाल कर देखेंगे, इसमें जो इम्प्यूरिटीज बच जाती है, जो अशुद्धियाँ बच जाती हैं उसको हम लोग रेसिड्यू कहते हैं। देखिए, इसके ऊपर जो है जो अशुद्धियाँ थी वो इस पे छन गई हैं और इस तरह जो हम लोग को प्योर वाटर मिलता है उसको हम लोग फिल्टरेट कहते हैं। धन्यवाद।